युवा पत्रकार संघ द्वारा हजारों गणेश भक्तों के लिए पानी बिस्किट की सेवा। युवा पत्रकार संघ के मंच पर पहुंचे विख्यात कामगार नेते धड़क कामगार यूनियन के संस्थापक महासचिव अभिजीत राणे। युवा पत्रकार संघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने मन से गणपति विसर्जन के दिन हजारों की तादाद में आने वाले गणेश भक्तों के लिए बिस्किट पानी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस उपलक्ष्य में हजारों की तादाद में विसर्जन के लिए आने वाले गणेश भक्तों के लिए बिस्किट पानी वितरण किया गया। देखिए बहुत अच्छा लगा कि आज गणपति बप्पा मौर्या ऊर्जावर्ती लौकरिया का लोग नारा लगाते हुए जैसे विसर्जन की तरफ आज जा रहे हैं। और ख़ास करके आज पत्रकार युवा संघ ने जो आज यहाँ पे व्यवस्था रखा है, जो गणेश भक्त हैं हमारे उनके जाने के लिए बिस्कुट का, बड़ा पाव का, आइसक्रीम का जो यहाँ पर व्यवस्था हुई है, ये देखते हुए हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है कि लोगों की आप सेवा पत्रकार संघ मैं पहली बार देख रहा हूँ कितना बढ़िया स्वच्छ बढ़िया कार्यक्रम कर रहा है। आराध्य देव की सेवा करने के लिए सब लोग मिल करके, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सामान्य जनता हो, सभी लोग मिल करके आज विसर्जन के मौके पर बप्पा को बधाई देते हैं। समीर के साथ कि मुंबई शहर को, पूरे देश को वो जितनी भी हमें सुख समृद्धि है दे करके और आने वाले सालों में जल्द से जल्द आएंगे, ये सारी स्थापना करने के लिए सारे मुंबई का चाहे जिस समाज से जुड़े हैं सब लोग बाहर निकल करके आकर के बप्पा की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं और रास्ते पर निकल कर आते हैं। क्या आह्वान करना चाहेंगे कि इस दिन के लिए जो लोग कुछ और तरीके से गणेश विसर्जन करते हैं, जैसे कि आपने कुछ वीडियो में देखा होगा कि ड्रिंक करके जो विसर्जन में जाते हैं, उनके लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? सभी से आह्वान है कि गणपति बप्पा समृद्धि के बहुत गणपति बप्पा उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है कि हमें हमारे जीवन को उस ढंग से जीना चाहिए कि जो भी हमारी गलत आदतें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि
हम भगवान की स्थापना तो इसीलिए करते हैं, भगवान की आराधना तो इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हो, हमारे अंदर जो गंदगी हो, भगवान दूर करें। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम पार्टी की थैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरों अच्छा सही। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मेहनत परेशानी का हमको सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आज से हम प्लास्टिक को छोड़ दें। जो सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक है, और सभी लोग मिलजुल करके समाज को एक करने के लिए, समाज को एकता रखने के लिए, और अपनी अंदर की बुराइयों को दूर करें।